टीचर कहाँ का था? एक मिनट। हाँ वापस टीचर कहाँ का था? जान पहचान का था आपका? टीचर नहीं सेंटर दूसरे कॉलेज नहीं में गया दूसरे था या क्या? कॉलेज पर गया था, पतंगा गया था। सेंटर दूसरे कॉलेज में क्या था आपका? हाँ सर, तो जो है वही सर मेरे साथ क्या हुआ होगा सर, हमको जा रहा है और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। मेरे अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, कोई यूनिवर्सिटी साथ कौन सी? क्या मेरठ हुआ है, सर, बोलते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ नहीं सिद्धार्थनगर। नगर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट सेमेस्टर कब से एग्जाम हो रहा? 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट थे ना? पच्चीस से थे, पिछले मंथ की बात है। हाँ इस मंथ में आके जो खत्म जो बाकी तो हो पेपरों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना? एक ही पेपर, कौन सा पेपर था आपका? गया था, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ और ऐसा भी नहीं था कि मैं मतलब टीचरों के नजर में गड़ू जो है, अनुशासन नहीं करते हुए है ना, मेरा सब कुछ बढ़िया गया था और मैं लेके जाता भी नहीं। मैं सोचा जैसे प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरा अच्छा, उधर भी नहीं था, तो तो यार मैंने बीएससी में सोचा ऐसा अगर कुछ हो है ही नहीं। पाता तुम तो नीट की या प्रोफेशन करते हो तो मुझे ये बता दो, तो नीट में जो किया है ना तुमने, वो सब कुछ उसी में है? क्या बोलते हैं जैसे फिजिक्स भी वहीं से आता है तुम्हारा, क्या था? पीसीएम था, जेडबीसी, पीसीबी था। तो यार तुम्हें क्या नकल करने की जरूरत थी, सब कुछ वही है। आपने। तो यार अब तो यूपीएम जब ऐसा है ना, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, कितने दिन पेपर को नकल पकड़े हुए? 4 तारीख को था मेरा पेपर 4 तारीख को था, उसी दिन नकल पकड़ी गई थी केमिस्ट्री वाली। अच्छा फिर यार जो प्रिंसिपल ने पकड़ा था वो उसी कॉलेज का प्रिंसिपल यही था ना? सर, इस उसमें उसी कॉलेज के मतलब सर। कैमरे लगे हुए हैं क्या, क्या वो सर सीसीटीवी कैमरा? लगा था सर, तो फिर तुम कैसे नकल कर रहे थे यार? थे अच्छा और जो है रखे एक बार काफी है रख ले हाँ अच्छा अच्छा काफी वो और देखे बताएंगे और अगर टीचर ना होते अगर अब अगर गाइड ही कर रहा है क्लास में सर तो उधर नहीं नहीं। हाँ पुलिस तो वाला यार मेरे एक बात साथ बताऊं, इसमें यूएफएम तो क्लियर लगेगा, ठीक है? मैं आपको क्या बताऊं, तो उन्होंने जब दूसरी कॉपी आपको दी है ना, बोलते तो आपको यूएफएम लगेगा, ये क्लियर है, ठीक है? आपको दोबारा से सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो आपका एडमिशन होंगे बच्चों के, आपका जो होगा अच्छा वो नवंबर में जाके, मान लो अक्टूबर नवंबर में आप दोबारा से होंगे, अक्टूबर में या फिर नवंबर में, ठीक है? दोबारा से पेपर होगा नहीं तुम्हारा नहीं एक्स। हुआ क्या है सर। यूएफएम ये होता है जब हम लोग कॉपी मतलब नकल करते हुए जब पकड़े जाते हैं, ठीक है ना? जब हमने नकल करते हुए पकड़े गए, तो उसका नकल करने का एक सिंपल तरीका कह सकते हैं कि यूएफएम लिख के आएगा आपकी मार्कशीट पर, मार्कशीट पे जो आपका लिख के आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? उसमें यूएफएम लिख के आएगा, यूएफएम इस अच्छा तरीके से आएगा। तो उसमें आपने कह सकते हैं कि आप नकल करते हुए पकड़े गए हो, ठीक है? और इसलिए आपके लिए 1 साल पूरा, जो आपने और भी दिए हैं सब्जेक्ट, जैसे बॉटनी का पेपर दिया होगा, जियोलॉजी का दिया होगा, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसके नंबर भी नहीं आएंगे, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, वो नंबर ही शो नहीं करेंगे, सीधे रिजल्ट के जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें यूफेम लिख के आएगा। आप दोबारा से जब एक्स फॉर्म फिल करोगे, दोबारा से एक्स फॉर्म, हाँ दोबारा से एक्स फॉर्म पढ़ेंगे तुम्हारे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, दोबारा से एडमिशन होगा तुम्हारा। हाँ दोबारा से आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर करोगे, दोबारा से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर करोगे आप, ठीक है? तो सर मैं सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं नहीं, दे सेकंड पाऊंगा में तो आओगे ही नहीं, जब तक कि फर्स्ट को फाइनल नहीं करोगे तो कैसे आ सकते हो सेकंड में? इसको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो रिजल्ट है कब तक आएगा उसका। ये रिजल्ट मान लो तुम्हारा अभी पेपर हुआ है, 1 महीने के अंदर पे आ जाएगा रिजल्ट, इसी महीने के लास्ट नहीं तो अगले वाले में आ जाएगा, अगले मंथ में।
हाँ अगले मंथ में फर्स्ट वीक में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट में ये लिख के आएगा यूफैम, ठीक है उसके। अगले हाँ जब नहीं लिख के आएगा तो पास हो, फिलहाल तो वो लिख के देंगे, जब तुम्हें दूसरी बी कॉपी दी है तो लिख के देंगे, ठीक है। बी कॉपी नहीं देते तो नहीं लिखते। और सर हम कई चीजों बाकी है तो और बाकी है ना। जी तो बोले कि यूनिवर्सिटी का एक फाइनल होता है जब काफी तक को जाता है क्या है क्या नहीं है, तो जी उसमें क्या अगर आप वो भी कुछ कम बता नहीं पाए लेकिन कह रहे थे ज्यादा चांस ना करेंगे क्या। देखो ऐसा होता है, जो तुम्हारी कॉपी जब बी कॉपी जब किसी बंदे की जब बी कॉपी होती है ना, तो उसको गोपनीय विभाग में रखा जाता है, गोपनीय विभाग, ठीक है। हाँ उस गोपनीय विभाग का मतलब यह है कि इस बंदे को स्पेशल तौर पर देखो तुम लोग, उसको मैच की जाती है कि आपने जो क्वेश्चन आपने जो नकल लेके गए हो वो आपकी कॉपी से मैच करती है नहीं, चेक करेंगे। वो तो पक्का करती होगी, 100% करेगी। और 100% करने का मतलब ये, जब 100% करेगी तो आपको सीधे एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है। एक लेटर आएगा वो भी आपके घर पे, ठीक है ना। जब आपके घर पे वो लेटर आएगा तब आप उसको एक रिप्लाई दे सकते हो अपने तरफ से, समझ रहे हैं। तब एक रिप्लाई दे सकते हो अपने साइड से, मतलब एक रिप्लाई देना होगा, फीडबैक देना पड़ेगा अपने साइड से कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को एक अपील लिखोगे, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है इधर से, पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजोगे, ठीक है, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तो वो नहीं मानेंगे क्योंकि तुमने किया है यार, उनके सामने सबूत है ना, दोनों नकल भी है और उनकी आपकी कॉपी भी है, तो बिल्कुल है, तो आप कुछ भी करोगे तो नहीं मानेंगे वो लोग। यदि हाँ इससे पहले कोई टीचर से आप जान पहचान निकाल कर यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग में जाकर उस कॉपी को हटवा सकते हो, वहां से क्लियर करा सकते हो तुम। अच्छा गोपनीय विभाग में आप जाओगे जब यूनिवर्सिटी के, तो वो कहेंगे तुमसे बात करना, सर मेरी ऐसी सी बात हो गई, नकल पकड़ी गई थी, तो कुछ हो सकता है सर, ऐसा उनसे कहना कि मुझे सर मेरा एक सेमेस्टर खराब हो जाएगा, कुछ भी उनसे रिप्लाई मतलब रिक्वेस्ट करना। यदि वो हाँ मान जाते हैं, कोई और है कोई बंदा उनकी जान पहचान का होगा, टीचर वहां के हो जाते हैं, यदि काम करा देते हैं वो तुम्हारा, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, फिर तुम्हारा रिजल्ट फाइनली आएगा, वो उसमें भले ही आपको कम नंबर दें लेकिन काम करा देंगे वो, ऐसा होता है। हाँ कुछ जान पहचान हो जाती है लोगों की, तो किसी तरीके से करा देते हैं, तो वो तरीके से कर दीजिए। सर वैसा तो कोई सिद्धार्थ है नहीं आप जिस जाता कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना, मेरा इधर कॉलेज है। हाँ तो उस कॉलेज में आप टीचर से बात करिए, उन कॉलेज के टीचर जो होते हैं, ठीक है, तो वो हेल्प करा देते हैं। मेरे इधर का होता तो अब मैं करा देता, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे बोल देता, हो सकता था यदि कोई इशू नहीं आता जाता तो, ठीक है, ओके। बाकी मेरे हिसाब से आप एक बार मिल जरूर लिए, अपने कॉलेज से बात करिए टीचरों से, कहना सर ऐसी सी बात हुई थी, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, यदि वो कहते हैं ठीक है हो जाएगा, उनसे ये कहना कि 100% सर मेरी नकल पकड़ी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ी गई है, सीधी बात है, पकड़ी गई तो पकड़ी गई, पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ था, उनसे कहना सीधे कि मेरी नकल पकड़ी गई है सर, और वो बिल्कुल मैच करेगी, कॉपी में मैंने वही लिखा है सर, कुछ हो सकता है कि मेरा मतलब यूफेम ना लगे, उनसे कहना यूफेम ना लगे, मतलब मेरी नकल पकड़ी गई, यूफेम ना लगे, कुछ हो सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आप ये करिए, या उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करना कि सर करा दो प्लीज़, कुछ करो प्लीज़ किधर से भी, तो वो चीज़ है। प्रिंसिपल वगैरह होते हैं तुम्हारे कॉलेज के, प्रिंसिपल होंगे ना, उनसे कह के देख लेना, प्रबंधक वगैरह जी से, हाँ तो वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे तो सही है, थोड़ा निकल जाता तो, जान पहचान के होंगे ये, ठीक है ना। नेटा रिजल्ट मान लो अगले मंथ में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में, एक महीने के अंदर आ जाता है जी, लेटर एक महीने के अंदर आ जाएगा, जैसे कॉपी चेक होती होती है उससे पहले आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आने से पहले तुम्हारे पास घर लेटर आ जाएगा, या फिर जो ईमेल वगैरह लिखवाई है तुमसे मोबाइल नंबर उस पर कॉल वगैरह आ जाएगा, हाँ या ईमेल पे मैसेज आ जाएगा कि भाई यूनिवर्सिटी में तुम्हें आना होगा इस तारीख को, तो यूनिवर्सिटी चले जाना, वो आपको दिखाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस यही पूछेगा कि ये नकल करी थी तुमने, नहीं की थी ये चीज होगा,
बाकी कुछ नहीं, तुम सहमत हो इस बात से? तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सर है सहमत या नहीं है, आप अपने फीडबैक बताओगे कुछ ना कुछ, एप्लीकेशन लिख के जाओगे, दो दो को जमा कर दोगे तो गएगा, तुम जाओ ठीक है, बस यही होता है। तो बाकी तो जो उसको करना होगा वो तो करेगा ही, बाकी कुछ नहीं। तो देखो जो होना है वो होगा, आप जो होने का है वो होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से आप एक बार ट्राई करिए, जो आपके कॉलेज वाले टीचर है उनसे बात करिए, प्रबंधक जी से बात करिए, सर ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में, कुछ हो सकता है सर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, जैसे कहना उनसे जो भी रिक्वेस्ट करके कहना है करना ठीक है। हो सके तो हो गया, उन्होंने करा दिया आपका किसी, क्योंकि जो कॉलेज के होते हैं वो यूनिवर्सिटी से सीधे कॉन्टैक्ट होते हैं उन लोगों के, टीचर सबको जानते हैं आपस में। नहीं नहीं उस टीचर का आपको नाम नहीं लेना है यार, काहे ले होगे बेचारा, तो मैं तो मदद कर रहा था ना वो। नहीं क्या वो नहीं, यदि हाँ उससे बात करके देख लेना, वो करवा सके तो उससे बात करके देख लेना। नहीं नहीं जैसे मतलब वो उस कॉलेज पर से कुछ कर दिया होगा कि नहीं किया होगा। नहीं वो कुछ नहीं करेगा यार, तुम्हारे बिना थोड़ी कर देगा कुछ, बात यह है। तुम उससे भी कह के देख सकते हो कि सर कुछ हो सकता है, मेरी तो पकड़ गई, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है वो, वजह ये थोड़ी कहोगे तुम्हारी गलती है, टीचर से कहोगे तो क्या कहेगा वो, तो तुम्हारे आगे से कुछ नहीं करने देगा, समझ रहे ना। तो वो चीज़ है कि सर देखो सर ऐसा सा हुआ था मेरे साथ, आपको ही पता है, तो कुछ हो सकता है इसको मतलब दे दबा के जो भी है वो खत्म हो जाए, यूफे वगैरह ना लगे, मेरा साल बर्बाद ना हो, ऐसे बोलना उनसे, प्लीज़ करा सको तो करा दो सर, ऐसे करके बोलना ठीक है ना। इमोशन होगा थोड़ा सा, इमोशनल निकालनी है अंदर से, ठीक ठीक भाई। तो गाइस आपने देखा यूएफएम लगने का सबसे बड़ा मतलब, ये जब नकल पकड़ी जाती है तो सबसे बड़ा यही कांट होता है। तो सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि नकल के कई तरीके होते हैं, तो नकल अकल से की जाती है, वही तरीका है ना, नकल करो तो अकल से करो, फालतू मत करो, तो अकल से करोगे तभी काम चलेगा। अब इन लोगों ने क्या किया, लालच कहते हैं ना, लालच बड़ी बलाए, तो वो सच में लालच बड़ी बलाए होती है। तो कैसे होती है, अब इनका क्या था, 2 घंटे से नकल कर रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 2 घंटे से नकल कर रहे थे, 2 से 2.5 घंटे से, 2.2 कह सकते हैं, 2.5 ढाई घंटे से नकल कर रहे थे लगातार, घंटे से टीचर करवा रहा है तुम्हारा, चलो ठीक है। अब आधा घंटा बचा है कि मतलब कि 3 घंटे का पेपर था, आधा घंटा बचा है मतलब कि 30 मिनट आपको मिले हैं। जब 30 मिनट आपको मिले हैं तो आप लगा सकते हो, जब 30 मिनट आपको मिले हैं तो उसको छोड़ दो यार, काहे सब कुछ करने की जरूरत है। अब गए बाथरूम में जा रहे हो तुम, लेके आ रहे हो टॉयलेट में जा रहे हो, ये लेके आ रहे हो पता नहीं क्या, समझ रहे हो, उसमें रख रखी है नकलें आपने, वही चीज क्वेश्चन को फाड़ के लेके चले आ रहे हो, फिर कर रहे हो तो कोई टीचर पकड़ेगा तो फिर क्या करेगा यार, कुछ सोचो मतलब कुछ करो ना, सब कुछ करने की जरूरत क्या है। जब नकल कर रहे हो ना तो अकल से करो, मतलब मान लीजिए नकल कर रहे हो तो आपको पता है कि यार कोई टीचर पाने की संभावना, देखो टीचर जब आता है तो स्टार्टिंग में आता है या फिर लास्ट में आता है, बीच में नहीं आता कोई, या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, बीच में नहीं आता। तो वही तरीका है, तो आप समझ लो ठीक है ना, सही तरीके पर करो, और कोई करना है तो मेरे हिसाब से यार मत करो, प्लीज मत करो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी एक सेमेस्टर भी खराब हो सकता है, एक ईयर भी खराब हो सकता है, तो ऐसा मत करिए, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा। और ये जो कर रहे हैं उस तरीके के बता रहा हूँ, जब उस बंदे ने 2.5 घंटे से लगातार नकल कर रहा था तो आधा घंटा रह गया था, अब उसमें वो पकड़ी गई नकल पूरा करने के चक्कर में, मतलब पूरा करने के चक्कर में, पूरा पेपर को पूरा सॉल्व करने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे, लास्ट पेपर था, सारे पेपर अच्छे गए, वो पेपर में धोखा खा गए ठीक है ना, तो पूरा वो भी पेपर खराब चले गए, अब जो पहले सही गए थे, क्योंकि यूफेम जब लिख के आएगा नकल पकड़ी गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा, आपका साल पूरा खराब होने वाला है, तो आप आगे से ऐसा ना करिए। और अपने दोस्त वगैरह कोई ऐसा कर रहा है तो इन्हें यार कहिए कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आपका ईयर खराब हो सकता है, यूफेम लग सकता है ठीक है ना, बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं, आपको कह सकते हैं कि आपको अपने ही लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, कोई भी मुझे कॉल करता है लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको ये लग जाए, मैं इसलिए सुनाता हूँ ये चीज़ें कॉल पे डायरेक्ट लेके,
ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या होता है। ये बात सच में होती है, बच्चे सच में नकल करते हैं, विश्वास होता है जब मैं आपको प्रूफ देता हूं। मैं कहना हूं पेपर हैकर कुछ मजाक नहीं है, रियल है, ठीक है ना। तो प्लीज यार सही रास्ता चुनिए, शॉर्ट वाला रास्ता मत चुनिए, मेहनत करिए, संघर्ष से ही फल मिलता है, ये भी आप जानते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।